हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के साथ कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी लोगों को टिप्स पसंद आएगा। टिप्स छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत ही कमाल का है। तो चलिए, हम ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। साथ क्लचर भी सभी के घरों में होता ही होता है। इसे हम अक्सर यूज कम कर पाते हैं। इसे हम बालों में लगाने के लिए क्लचर का यूज करते हैं, लेकिन आज हम आपको ब्रश में लगा करके आपको इसका बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही बढ़िया यूज बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं इस तरीके के ब्रश को लेकर के। दोस्तों, ब्रश हम यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने के अलावा हम इसे यूज करते हैं पायदान वगैरह या फिर कोई भी घर की गंदी चीज़ें होती हैं उसे साफ़ करने के लिए। होता यह है कि पायदान वगैरह साफ़ करने से ब्रश में, जैसे पायदान में बाल वगैरह हो रहता है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आ करके कूड़ा करकट फंस जाता है। अगर हम ऐसे इस तरीके से निकालेंगे तो ये ब्रश टूट भी सकता है, यानी कि इसके दाने भी निकल सकते हैं। तो इसलिए आपको बस एक छोटा सा जुगाड़ करना है। आपके ब्रश से सारे जो बाल वगैरह होंगे, वो जो भी कूड़े करकट होंगे, बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है एक क्लचर। हाँ, वही क्लचर जो आप बालों में यूज करते हैं। तो आपके पास पुराना भी क्लचर पड़ा होगा, इस तरीके से आपको कोई भी क्लचर ले लेना है और इस तरीके से बीच में डाल डाल करके अपने ब्रश को साफ कर लेना है। आप देखेंगे जो भी इसमें बाल वगैरह फंसे होंगे वो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने ब्रश की सफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह टिप्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ब्रश में एक बार क्लचर ज़रूर लगाइए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह टिप्स भी पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स भी हमारा इस तरीके के क्लचर और ब्रश को लेकर के है। दोस्तों, क्या होता है, जब भी हम ब्रश से कपड़े वगैरह धुलते हैं तो इस तरीके से रख देते हैं, इसका पानी नीचे गिरता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो इसका दान, जो इसका बाल वगैरह रहता है, ये बहुत ही जल्दी सूखता नहीं है और ये हमारा टूट भी सकता है। इसके लिए आपको लेना है क्लचर और क्लचर को इस तरीके से ब्रश में फंसा देना है। आपका बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइजर एक बन करके भी रेडी हो जाएगा और इस तरीके से आप इसे कहीं पर भी रख देंगे, ये अस्थाई बना रहेगा, ये आपका बहुत ही जल्द सूख जाएगा, आपका ब्रश बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। आई होप कि आपको यह टिप्स भी पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। इस तरीके की कंघी को लेकर के, दोस्तों जब भी हम कंघी करते हैं तो ये हमें डेली डेली साफ करना होता है। अगर हम इसकी साफ़ सफाई न करें तो इसके अंदर अंदर बहुत ही मैल जमा हो जाती है, यानी कि धूल मिट्टी जमा हो जाती है। इसे निकालने के लिए हम गर्म पानी का यूज करते हैं या फिर वैसे नॉर्मल पानी का यूज करते हैं, शैम्पू का यूज करते हैं। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हम इसके लिए यूज करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आप बहुत ही आसानी से कंघी को बिना पानी के भी साफ कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, पानी बिल्कुल लेना नहीं है और आप कहीं ट्रेवल पर भी आप इसे साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है कोई भी टेलकम पाउडर और टेलकम पाउडर को कंघी पर इस तरीके से थोड़ा सा डाल देना है और उसके बाद आपको लेना है कोई पुराना टूथ ब्रश और उसकी मदद से इस तरीके से आपको पाउडर पूरा फैला देना है और धीरे धीरे आप देखेंगे इस तरीके से करेंगे ना तो सारी जो गंदगी होगी कंघी की वो एकदम बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आप कंघी को ट्रेवल पर यानी कि कहीं पर भी आप इसे साफ कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आप इसे साफ कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी कंघियाँ साफ कर सकते हैं। अपने घर की सारी कंघी को साफ करना चाहिए, नहीं तो इसमें बहुत सारे वायरस हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया हो जाते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही नुकसान
देह होता है, इसलिए आपको अपनी कंघी को बहुत ही अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी की आवाज़ कल तो जू नहीं पड़ता है, लेकिन किसी किसी को अब भी रहता है, तो इसलिए आप कभी भी कंघी करें तो बिना साफ किए ना करें, क्योंकि जो जू चढ़ जाता है सिर में, जू चढ़ने से बहुत ही बालों में खुजली होती है, तो इसलिए आप अपने कंघी को साफ करके ही कंघी कीजिए। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।